यह वीडियो किसी भी तरह विज्ञापन प्रेरित नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आप द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के लिए सौदा का जिम्मेदार नहीं होगा। अपने पैसों का निवेश स्वविवेक से करें। नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आप लोगों में से काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि एक नए प्रोजेक्ट जिसका नाम है फायरवर्क्स कुमार पार्क रेजिडेंसेज, इसका पूरा नाम है, और आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं इसका पूरा रिव्यू वीडियो, जिसमें आप एरियल व्यू भी देख पाएंगे आसपास का और यहाँ का पूरा डिटेल। यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको पुणे शहर से जुड़ी जानकारियाँ, रियल इस्टेट से जुड़ी जानकारियाँ लगातार मिलती रहें। और इसमें हमने हड़पसर मुंडवा का थोड़े में लोकेशन रिव्यू भी दिखाया हुआ है। आइए साथियों, कुमार प्रॉपर्टीज के इस नए प्रोजेक्ट के रोड कनेक्टिविटी को समझ लेते हैं। यदि हम नगर रोड से आ रहे हैं तो खराड़ी बाईपास से हमें मुंडवा की तरफ आगे बढ़ना है। थोड़ा ही दूर आगे आने पे लेफ्ट साइड में हमें रिलायंस मार्ट मिल जाता है, जहां से जो लेफ्ट रास्ता जा रहा है आपको सीधा जेंसार से होते हुए WTC और यौन IT पार्क तक ले जाता है। हमें सीधा रोड पे आगे बढ़ना है। हम लोग बढ़ चलेंगे मूलामूथा रिवर पर बने हुए ब्रिज की तरफ। जब आप इस ब्रिज पे पहुंचते हैं, इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ था, जिसमें केशव नगर के जो ब्रिज की बात हुई है उसको भी हमने अपडेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे जिस ब्रिज से हम लोग अभी यहाँ चल रहे हैं, ये 2017-18 में बन के तैयार हुआ, लेकिन इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे बॉटल नेक हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे ऑफिस आवर्स में रहती हैं, और यही उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय पे यहाँ पे रोड वाइड हो, जिससे लोगों को घंटों यहाँ पे ना वेट करना पड़े। इससे आपका फ्यूल कंजम्पशन भी बढ़ता है और समय भी लगता है। अब जिस रेड लाइट पे हम लोग पहुंच चुके हैं, इसके लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो केशव नगर के लिए रास्ता निकल जाता है। राइट साइड में अगर आप देखें तो ये रास्ता आपको कल्याणी नगर, कोरेगांव पार्क और घोरपड़ी के लिए ले जाता है। हम लोग सीधा इसी रास्ते पे आगे बढ़ेंगे एमनोरा की तरफ। अब हम जिस ब्रिज पे चल रहे हैं, इसके नीचे अगर हम देखें तो रेलवे ट्रैक है, और इसके पहले ही आपका मौजूद है हरमोसा कासा प्रोजेक्ट, जिसका पूरा रिव्यू हमने दिखाया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे प्रेस करके देख सकते हैं। इस ब्रिज को जैसे हम लोग क्रॉस करते हैं, लेफ्ट साइड में टर्न कट रहा है, जिसे एमनोरा पार्क टाउन मेन रोड के नाम से जाना जाता है। इसे क्रॉस करते हुए हम लोग सीधा आगे बढ़ेंगे। राइट साइड में हमें पंचशील का फ्यूचरा बिल्डिंग दिख जाता है, जिसमें वी वर्क है, और लेफ्ट साइड में है आपका नेक्सा शोरूम, और यहीं से हमें ले लेना है लेफ्ट टर्न। और लेफ्ट लेते ही जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हम पहुंच जाएंगे कुमार प्रॉपर्टीज के इस प्रोजेक्ट पर। आइए थोड़े में यहाँ के लोकेशन को समझ लेते हैं। इस पूरे लोकेशन में, यानी कि हड़पसर मुंडवा के लोकेशन में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे दो बड़े टाउनशिप, एक मगरपट्टा सिटी, दूसरा एमनोरा पार्क टाउन मौजूद है। और अगर आप मुंडवा केशवनगर की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी डेंस पॉपुलेशन भी है, जहाँ पे गुंठेवारी में काफ़ी कंस्ट्रक्शन हुए हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो दोनों सिटी के बीच में जो रोड है, अब फर्दर इसके वाइडनिंग के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि दोनों तरफ सैंक्शन कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं, और फर्दर इसे एक्सटेंड करना
मुश्किल है और यही कहीं ना कहीं इस लोकेशन की थोड़ी समस्या भी है। यदि यहाँ पे मेट्रो लाइन का काम कर दिया जाए या फिर फ्लाईओवर का काम कर दिया जाए तो आने वाले 10 से 15 साल तक यहाँ पे ट्रैफिक की सिचुएशन जो रहती है उससे निजात पाया जा सकता है। लेकिन उसी के चलते अगर आप देखें तो एक तरफ मगरपट्टा सिटी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है जिसमें आपका सीजन्स मॉल भी आता है और एमनोरा पार्क टाउन सिटी का काम अभी चालू है, लगभग 50% काम यहाँ पे कंप्लीट हुआ है और बचे हुए 50% में तमाम सेगमेंट लगातार लॉन्च किए जा रहे हैं। और यहाँ पे जैसा हमने आपको दिखाया भी था जो रेलवे ट्रैक जा रहा है उसके नीचे से अंडरपास का भी काम चालू है जो कि काफ़ी लंबे समय से काफ़ी स्लो चालू है। अगर वो कनेक्ट कर दिया जाए तो जो आपका एमनोरा का विक्ट्री टावर है वह भी एमनोरा टाउनशिप से कनेक्ट हो जाएगा। एमनोरा का हमने पूरा डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, यदि आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर प्रेस करके देख सकते हैं। बाकी यहाँ का एरियल व्यू भी आप लोग देख लीजिए जिससे आपको यहाँ के बारे में थोड़ी जानकारी भी मिल जाए। ऐसे लोग जो यहाँ पे कम रहे हैं या यहाँ के बारे में कम जानते हैं उनके लिए यह जानना बहुत जरूरी है। यह प्रोजेक्ट जिसे आप कोड नेम फायरवर्क्स के नाम से जान रहे हैं इसका नाम रहेगा कुमार पार्क रेजिडेंसेज, जिसे कुमार प्रॉपर्टीज इंफ्राट्रेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। बात करें पूरे प्रोजेक्ट के साइज की तो ये 8.5 एकर्स में फैला हुआ है। टोटल 4 क्लस्टर रहेंगे और 10 बिल्डिंग्स यहाँ पे मौजूद रहेंगी। अभी पहले क्लस्टर में 3 टावर को लॉन्च किया गया है जो कि 2+30 स्टोरी रहने वाले हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि अभी 21 स्टोरी तक का ही सैंक्शनिंग इन्हें मिला हुआ है। हर टावर्स में 4 फ्लैट्स पर फ्लोर रहने वाले हैं जिसमें 3 2BHK और 1 3BHK रहेगा। आइए इसके इन्वेंटरी और प्राइसिंग को समझ लेते हैं। बात करें 2BHK की तो इसका महारेरा कारपेट 785 स्क्वायर फीट से शुरू होता है जिसमें 2 वेरिएंट दिए जा रहे हैं। टोटल कारपेट की बात करें तो 828 स्क्वायर फीट और 839 स्क्वायर फीट 2BHK में रहने वाले हैं जिसका प्राइस 93.5 लाख से 95.7 लाख तक वेरीज कर रहा है। वहीं अगर हम 3BHK की बात करें तो इसका महारेरा कारपेट 1103 स्क्वायर फीट है और टोटल कारपेट यानी कि बैल्कनी को मिला के 1160 स्क्वायर फीट रहने वाला है। इसके प्राइस की बात करें तो 1.35 CR से 1.4 CR तक वेरी कर रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें लिमिटेड 3BHK बचे हुए हैं जिस टावर को लॉन्च किया गया था। बात करें महारेरा पोजीशन डेट की तो नवंबर 2026 इसका पोजीशन रहेगा। जैसा हमने आपको बताया यहाँ पे 4 क्लस्टर रहने वाले हैं और अभी पहले क्लस्टर को ओपन किया गया है यानी कि आने वाले समय पे इसमें लगातार नए नए टावर्स को ओपन किया जाएगा। आइए प्रोजेक्ट से की डिस्टेंसेस को समझ लेते हैं। बात करें स्कूल और कॉलेजेस की तो SDFC स्कूल प्रोजेक्ट से 1.2 किलोमीटर की दूरी पे है, वहीं पवार पब्लिक स्कूल 1.3 किलोमीटर की दूरी पे और अन्ना साहेब मगर कॉलेज प्रोजेक्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है। बात करें IT पार्क्स की तो साइबर सिटी मगरपट्टा प्रोजेक्ट से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, वहीं SP इन्फो सिटी इयॉन IT पार्क और WTC प्रोजेक्ट से 6 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद हैं। बात करें हॉस्पिटल्स की तो नोबल हॉस्पिटल एंड सहयाद्री हॉस्पिटल प्रोजेक्ट से 2.8 किलोमीटर की दूरी पे हैं, वहीं मणिपाल हॉस्पिटल खराड़ी प्रोजेक्ट से 2.4 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है। बात करें मॉल्स की तो सीजन्स एंड एमनोरा मॉल प्रोजेक्ट के बगल में ही मौजूद हैं, वहीं फिनिक्स मॉल विमान नगर प्रोजेक्ट से 7.5 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है। बात कर लेते हैं पुणे रेलवे स्टेशन की तो यह प्रोजेक्ट से 9 किलोमीटर की दूरी पे है, वहीं पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट से 11 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है। आइए बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट के प्रोज और इसके कॉन्स को। इसके प्रोज की बात करें तो यह मगरपट्टा रोड से लगकर है, स्कूल हॉस्पिटल मॉल और साइबर सिटी मगरपट्टा काफी नजदीक में मौजूद हैं। वहीं प्रोजेक्ट के कॉन्स की बात करें तो फ्लैट की कीमतें हायर साइड हैं। पूरे प्रोजेक्ट में 1200+ फ्लैट्स रहेंगे, उस हिसाब से लॉन्च के टाइम पे ये कीमतें ज्यादा हैं। ऐसे लोग जो खुद के लिए घर की तलाश में हैं और अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए यह प्रोजेक्ट है, पर ऐसे लोग जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं उनके लिए यह प्रोजेक्ट नहीं है।
प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जो भी समस्या आपके मन में उठ रही है उसे आप हम तक डिस्क्रिप्शन में दिए गए क्वेरी फॉर्म लिंक के जरिए पहुंचा सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी उसे जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। साथियों, आप सभी को सौदाघर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो कमेंट में लिख के बताइए कि आपको सौदाघर के इस वीडियो का प्रयास कैसा लगा। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।